And the latest coming in from Shimla, with no water supply for more than a week, on your screens are leakage of huge amount of water from an overhead tank that was recorded by locals which entered houses. To give you some context here, in the last few days, Shimla has been making headlines for the severe water shortage it has been facing, with residents having to wait for days to get clean water into their homes. Now, to save water and make resources available for the locals, Deputy Commissioner of Shimla conducted a probe to seize illegal connections, and following complaints filed by locals, the probe was ordered by Chief Minister Jairam Thakur and Office of Joint Secretary as well. तो मेरे को एक शिकायत आई थी कि जी कुछ एक बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे जहाँ 24 घंटे पानी चलता रहता है. जैसी मेरे को शिकायत मिली माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय से और सीएम ऑफिस से भी यही शिकायत आई थी, मैं उचित समझा कि खुद यहाँ पे आके देखूं. एंड इट वाज फाउंड के जो शिकायत है दैट इज़ करेक्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड द म्यूनसिपल इंजीनियर जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के टू इमीजिएटली हैव दीज लाइन्स एंड दीज कनेक्शंस प्लग्ड एंड सील्ड इमीजिएटली. और जो इसमें आगे की जो कार्रवाई की जाएगी कि किस प्रकार से ये जो कनेक्शन दिए गए उसमें भी आई हैव टोल्ड द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टू टेक एडिक्वेट एक्शन. Meanwhile, local residents of Shimla staged a protest in Sanjuli area. They're demanding tourists to stay away from Shimla until the hill station tides over its devastating water crisis. And while hotels and tour operators are experiencing cancellation of their already booked rooms as the acute water crisis has entered the second week, and now tourists in the hill are paying nearly 3,500 rupees for one bucket of water and 42 rupees for 1 liter bottle. होटल वाले बाल्टी में पानी दे रहे 3500 रुपये की रूम में, अगर बाल्टी में पानी आएगा तो टूरिस्ट का तो बहुत बुरा हाल है. और बिस्लरी की 42 रुपीज़ में बिस्लरी बिक रही है यहाँ पे, तो ये परेशानी वाली बात है. हम लोग 3 दिन के लिए स्टे करने वाले थे, अब सोच रहे हैं कि हम लोग आज चेकआउट करके निकल लें. लेकिन वो दूसरे होटल जब हम तलाश किए तो बोलते बाल्टी से पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है. अभी कैसे रहेंगे उधर, पानी नहीं मिलेगा तो, और एक बाल्टी पानी में कैसे करेंगे तुम? आपसे क्या एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है? नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज तो पानी का, पीने का पानी का अच्छे होटल में 45 रुपीज़ लिया, दो बॉटल पानी लिया 84 रुपीज़ चार्ज किया उन्होंने.